नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी की पुरजोर कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी रविवार को ब्रज क्षेत्र में अपना चुनावी बिगुल फूकने जा रही है एटा में आज बीजेपी का बूथ सम्मेलन कार्यक्रम है जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे वहीं सम्मेलन में ब्रज के करीब बारह जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा आपको बता दें की जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थोड़ी ही देर में रामलीला मैदान पहुंचेंगे जहां ब्रज क्षेत्र में बीजेपी संगठन के 19 जनपदों के करीब 25000 बूथ अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ता, कई मोर्चे के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ब्रज क्षेत्र के सांसदों विधायकों को आने वाले विधानसभा के लिए संवाद उनसे करेंगे तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगी नजर आ रही है विधानसभा चुनाव बेहद अब उत्तर प्रदेश के नजदीक है जिसे लिए बीजेपी पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती इसीलिए लगातार एक के बाद एक जिलों का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक नजर आ रहे हैं हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरह से बीजेपी का परचम लहराने की कोशिश में लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में और खुद भी कमान संभाले हुए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि एटा में बीजेपी का आज बूथ सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा शामिल होंगे साथ ही बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र भी देंगे तो ऐसे में आज बूथ सम्मेलन रखा गया है एटा में जहां पर आपको बता दें बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें शामिल होंगे सम्मेलन में इसके साथ ही आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे इसके साथ साथ कई दिग्गज नेता तो शामिल होंगे ही लेकिन इसके तहत आपको बता दें बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देने की कोशिश यहां पर की जाएगी हालांकि इस तरह के बूथ सम्मेलनों का आयोजन बीजेपी की तरफ से हर रोजाना किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज ये सम्मेलन एटा में रखा गया है जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और तैयारियां सीएम के आगमन को लेकर और जेपी नड्डा के आगमन को लेकर की जा चुकी हैं हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ऐसे में बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अब बेहद नज़दीक है अगले दो महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी है और हर संभव कोशिश कर रही है कि, कि किसी न किसी तरह जनता के बीच पहुंचकर अपने कामकाज का बखान करें किसान कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था इसके बाद 11 दिसंबर यानी कि कल से से किसानों की दिल्ली के 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 अलग अलग बॉर्डर अपने घर लिए वापसी भी शुरू हो गई थी आज कैराना पानीपत बाईपास पास भारतीय किसान यूनियन ने एक धन्यवाद किसान महापंचायत का आयोजन किया है इसमें किसान नेता राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया गया राकेश टिकैत महापंचायत को संबोधित भी करेंगे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों ने महापंचायत तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ऐसे में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है किसानों को बॉर्डर खाली करने में लगेगा ऐसे में आपको बता दें कि किसानों की तरफ से इस महापंचायत का आयोजन किया गया है जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल हुए हैं और राकेश टिकैत का किसानों की तरफ से भव्य स्वागत किया गया है देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सात हजार

चार हो गई है आंकड़ों के मुताबिक कल आठ रिकवरी हुई जिसके बाद अभी तक तीन करोड़ इकतालीस लाख बाईस हजार सात सौ से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले अभी भी नब्बे हजार से ज्यादा बने हुए हैं जो कि 560 दिनों में सबसे कम है वहीं रिकवरी रेट अभी अंठानवे दशमलव तीन छह फीसदी है